हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडीज में स्वागत है। तो साथियों, आज की जो रिक्वायरमेंट के बारे में अब बात करने वाला हूँ, ये आपका कैंटोनमेंट बोर्ड अम्बाला के अंदर ये वैकेंसीज निकाली गई है। ये सफाई वाला के लिए वैकेंसीज फ्रेंड, और इसकी ऑफिशियल साइट में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस पोस्ट में आप आवेदन करने के लिए आपकी क्या एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और क्या कब अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट क्या रखी गई अप्लाई करने के लिए, सारी जानकारी देने वाला हूँ फ्रेंड इस वीडियो में। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड हर अपडेट के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी। तो चलते फिर आगे बढ़ते और इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैंटोनमेंट बोर्ड अम्बाला के अंदर से जो सफाई वाला के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई है आपके लिए, यहाँ पे देख सकते हैं जो ये पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए जो आपकी प्रक्रिया रखी गई फ्रेंड, आपका ऑनलाइन रखी गई है, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन इस पोस्ट आवेदन कर पाएंगे, ये सिर्फ आपका इंडियन सिटीजन मांगी गई, यानी कि आप इंडिया के नागरिक है तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर ले, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी से 74 वैकेंसी से, जिसमें से जनरल के लिए 38 वैकेंसी से, OBC के लिए 33 है, और PWD कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, बात करें कि आपका जो पे स्केल मिलेगी, जो परमानेंट सैलरी दी जाएगी, तो ये 16,900 से लेकर 51,900 रुपये आपका सैलरी मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट जो क्राइटेरिया रखी गई है, एज लिमिट मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 25 ईयर्स एज रखी गई है। और जो आयु सीमा में छूट दी जाती है फ्रेंड, तो आयु सीमा में यहाँ OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स के लिए छूट दिया गया है। और अगर आप लोग फ्रेंड्स विकलांग कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट से आते हैं तो आप लोगों के लिए 13 ईयर्स के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर ले, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं लिटरेट मांगी गई, यानी कि आपको एजुकेटेड होनी चाहिए। अगर आप फ्रेंड्स 8वीं पास या 10th पास भी है तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 8वीं पास या 10th पास है तो आपको एजुकेटेड माना जाएगा। और यहाँ पे फिजिकल फिट भी आपकी होनी चाहिए फ्रेंड, फिजिकली फिटनेस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये परमानेंट जॉब है फ्रेंड, आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, इस पोस्ट में जो आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, तो एप्लीकेशन फ़ी सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिर्फ जनरल OBC कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई 100 रुपया, और ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को अप्लाई करना है फ्रेंड। जो अप्लाई करने का जो साइट दिया गया है ऑनलाइन माध्यम से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल साइट में जाके आप लोगों को आवेदन करना है ऑनलाइन माध्यम से, और इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकेंगे फ्रेंड 1 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। और अप्लाई करने के लिए जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है वह 30 अप्रैल 2020 को रखी गई, यानी 30 अप्रैल तक आप लोगों को सबमिट कर देना है इसके पोस्ट में, ठीक है। तो यानी कि फ्रेंड्स, आप 30 अप्रैल तक आप लोगों को सबमिट कर देना है, इसके ऑफिशियल साइट में जाके अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड हर अपडेट के बारे में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी।